अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां अष्टमी का तीसरे चरण का चुनाव का प्रचार। 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर सीट पर होगा मतदान। इसके अलावा आपको बता दें विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर होगी वोटिंग। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 127 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। संध्या, शिवराज और दिग्विजय समेत कई दिग्गज नेता इस बार मैदान में है। तो तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार आज शाम को थम जाएगा। आपको बता दें कि 7 मई को मतदान होना है। डोर टू डोर प्रचार आज के बाद प्रत्याशी कर सकेंगे। तो 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर आज प्रसार प्रचार थम जाएगा। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो जिस तरीके से अपूर्व हम समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से हाई प्रोफाइल सीट भी बहुत ज्यादा है। सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह समेत कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका फैसला 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। भोपाल से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे 7 मई को तीसरे चरण का मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर आज प्रचार प्रचार थम जाएगा, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? दोनों पार्टियों में काफी ज्यादा उत्साह, पुरजोर ताकत लगा रही है। तीसरा चरण है उसका मतदान 7 मई को होना है, तो उससे पहले जो है आज शाम को 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। उससे पहले जो है तमाम सारे नेता हैं जो उम्मीदवार हैं, 9 सीटों पे मतदान होगा, तो उसके लिए जो है तमाम सारे 9 सीटों पे आज उनका जो है जोरों शोरों से दौरा होने वाला है। जनता को रिझाने के लिए उनके बीच पहुंचेंगे, तो आज जो है आखिरी ताकत जो है जो झोंकेंगे। आपको बता दूं कि 127 उम्मीदवार जो है मैदान में है तीसरे चरण में, उसको लेकर जो है तमाम सारे बड़े नेता हैं। दिग्गजों की बात करें तो ये चरण इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े दिग्गज नेता, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये सभी इस मैदान में है। ग्वालियर, विदिशा की जो सीटें हैं ये बड़ी खास मानी जा रही है, इन पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। तो वहीं जो दिग्गज नेता है आज के दिन जो 6 बजे तक प्रचार प्रसार होने वाला, उसके बाद जो है व्यक्तिगत रूप से डोर टू डोर जनसंपर्क होगा, तो आज उससे पहले सुबह से ही जो है प्रचार शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में भी 7 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो उसके लिए सुबह से ही जो प्रत्याशी है मैदान में आ गए हैं, जनता के बीच पहुंच गए हैं, बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जनसभाएं भी आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में जो है बड़े बड़े जो नेता है इन 9 सीटों पर आज जा रहे हैं और जनता के बीच माहौल बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की और पार्टियों की इस पे जो तीसरा चरण है उस पर इसलिए विशेष फोकस है क्योंकि पिछले 2 जो चरण हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत है वो कम रहा है, तो उसके चलते जो है मतदाताओं को घर से निकालने के लिए जो निर्वाचन आयोग है वो भी और तमाम सारी जो पार्टियां हैं वो जनता को लुभा भी रही हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए वो जो है प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर मौसम विभाग की बात करें, पिछले जो चरण हुए थे उनमें ये सारी चीजें सामने आई थी कि ज्यादा तापमान होने के कारण जो है मतदान प्रतिशत कम हुआ, तो वहीं मौसम विभाग की अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में हीट वेव जो है उसकी भी अलर्ट जारी किया है कुछ राज्यों के कुछ हिस्से में। तो वहीं ये जो 9 सीटों पर मतदान होने जा रहा है बड़ी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इसमें कई जो हॉट सीटें हैं, बेहद ही दिलचस्प मुकाबला अंजलि होने वाला है क्योंकि 9 सीटें जिनमें से कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जिनपे मुकाबला देखने लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजलि।